गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपा गर्ग, योर कंप्यूटर सब्जेक्ट टीचर. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 3 वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. लास्ट पीरियड में आपको हम इस चैप्टर की वीडियो सेंड कर चुके हैं. आई थिंक सभी ने अच्छे से वीडियो को सुना होगा, बुक से भी स्टडी किया होगा. तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर किस तरह से काम करता है. देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है. मैन में और कंप्यूटर में यही डिफरेंस होता है कि मैन जब चाहे जो चाहे डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन एक मशीन को इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं. जब तक हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तब तक हमारा कंप्यूटर आगे वर्क नहीं कर सकता है. तो कंप्यूटर हमारा किसी भी मैन की तरह वर्क नहीं करता है. जब तक इसको ऑर्डर देना है होता है, तब तक ये काम करेगा. तो कंप्यूटर वर्क इन 3 बेसिक स्टेप. कंप्यूटर का जो वर्क करता है हमारा, वो 3 स्टेप पे करता है. इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, शॉर्ट में कहते हैं IPO. जैसे कि आप किसी काम को करने के लिए कलेक्ट करे हुए हैं किसी भी रॉ मटेरियल को, वो हमारा इनपुट. देन आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं, हमारा शुरू हो जाता है प्रोसेस. और जब हमारा रिजल्ट तैयार हो जाता है, बन करके तैयार हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है आउटपुट. आई थिंक सभी को आउटपुट, इनपुट एंड प्रोसेस तीनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी वीडियो के माध्यम से. इसमें आता है हमारा वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. तो वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, एज वी नो, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप. जैसा भी बताया भी है आपको, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इट इज नोन एज IPO साइकिल. तो आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज IPO साइकिल, तो आप देंगे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. व्हाट इज इनपुट, अब हमें समझना है इनपुट क्या है. वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क. इसको काम करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो हम कंप्यूटर में नंबर्स या लेटर्स टाइप करते हैं, दीज आर कॉल्ड डेटा. ये हमारा डेटा कहलाता है. डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. तो ये डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, वो हमारा इनपुट कहलाता है. वी इनपुट डेटा यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस. तो इनपुट डेटा के लिए हम कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोसेस. व्हाट इज प्रोसेस? The process of changing the entered data into meaningful information is called processes. तो प्रोसेस क्या है हमारा, जो हमारा किसी भी रॉ मटेरियल को चेंज करने के बाद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलता है, वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है. द CPU works on data according to the instruction to give the result. और CPU हमारा ये सब काम करता है, हमें रिजल्ट देने का काम करता है. नेक्स्ट होता है हमारा आउटपुट. द फाइनल रिजल्ट फॉर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट. जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकलता है, जिसका पूरा मीनिंग भी समझ में आता है, पूरी हमें जानकारी मिलती है, वो हमारा कहलाता है आउटपुट. The output is displayed on a monitor when the CPU finished processing the data. तो डिस्प्ले करता है हमारा मॉनिटर जब CPU अपना प्रोसेसिंग फिनिश कर देता है, अपना काम करना पूरा कर देता है. उसके बाद हमारे पास जो निकल के रिजल्ट आता है, वो हमारा आउटपुट कहलाता है. लेट अस अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अब आप आइए और देखते हैं एक एग्जांपल के लिए. हम सबसे पहला इनपुट, हमारे सामने डिजिट रखी है 8 और 2. हेयर 8 and 2 आर डेटा, माइनस इज द इंस्ट्रक्शन. हमारे पास एक डेटा रखा है 8 और 2, और उसमें माइनस जो दिया है वो इंस्ट्रक्शन दिया है. तो प्रोसेस में लाना है हमें. तो प्रोसेस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 minus 2. द CPU विल प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन IE subtract 2 फ्रॉम 8. तो CPU हमारा प्रोसेस करेगा. क्या प्रोसेस करेगा, वो 8 के साथ है माइनस का साइन दिया है, तो 8 minus 2 ये सब प्रोसेस में कौन लाएगा, हमारा CPU लाएगा.
और उसके बाद जब 8 को माइनस कर देता है, 8 में से 2 को जब वो माइनस कर देता है और हमें फाइनल इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा हो जाएगा आउटपुट। 8 में से 2 माइनस किया, हमारा बचा 6, तो 6 इज अ फाइनल रिजल्ट और आउटपुट ऑफ 8 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से आईपीओ साइकिल समझ आ गया होगा। आज के इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। स्टे होम, स्टे हेल्दी। अपनी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और अच्छे से बुक को रीड कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।